हमारे एहतिशाम साहब का साथ दिया आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। हमारे हुसैन साहब जहां पर छोड़े थे, मैं वहीं से कंटिन्यू करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी का तफसील आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव पैथी है, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, सभी है। उसके बाद भी केपीएम एक्ट के बारे में लेकर के पब्लिक को डराया जा रहा है, थोड़ा मिसगाइड किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के जरिए से या सीएमओ के जरिए से। तो आपके केपीएम एक्ट के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस या इसके एजुकेशन सिस्टम पे पाबंदी कहीं पर भी मेंशन नहीं। इसके अलावा अब निकली है बात, तो मैं दूसरे किसी पैथी को बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उसका इतिहास याद दिलाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में आजाद होगा, 1947 में 1950 26 जनवरी को हिंदुस्तान में कानून आ गया था, कानून का अमल आ गया था। लेकिन जितने भी मुख्तलिफ पैथियां हैं इसको रिकॉग्नाइजेशन, फाइनल रिकॉग्नाइजेशन मिला 1971 में, 1971 में। तो 1950 से लेके 1971 के पीरियड के बीच में कि जितने भी पैथियों की प्रैक्टिस भी वो इलीगल थी क्या? इलीगल थी। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी प्रैक्टिस अगर इलीगल होगी तो दूसरे पैथियां जो कानून अमल में आने से लेके 1971 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट आया, जब तक प्रैक्टिस से नहीं, तो ये 21 साल का जो बरस हुआ, अरसा हुआ, तो इसमें भी वो भी इलीगल होना चाहिए। अगर उस दौर के कुछ दवाखाने शामिल है या उस दौर के प्रैक्टिशनर्स है तो उनको फौरन जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन जब ऐसे मूवमेंट पे हर राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश रही, क्योंकि कोई भी चीज को अमल में लाने के लिए भी कानून बनाना पड़ता, कोई भी चीज को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जितने सारे मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट है कर्नाटक में, कई जगह अभी हुसैन साहब बोले धरवाड़ में भी कहीं हुआ, कहीं बीजापुर में हुआ, कहीं हवेली में हुआ, शिमोगा में भी हुआ, हर जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे जो है डीएचओ के तरफ से डराया गया। लेकिन हकीकत बात क्या है, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अगर आपको पसंद नहीं है, आप कर्नाटक राज्य में नहीं चाहते, तो इसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अगर वो कानून बनाएंगे तो आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि कानून बनाया जाए। तो इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन करने के अलावा कोई दूसरा मकसद है नहीं, रिकॉग्नाइजेशन ही एक अकेला मकसद है, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस पे तो पाबंदी नहीं कर सकते। या तो केपीएम एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करें रिकॉग्नाइज करने के लिए, या नहीं तो फिर रेस्ट्रिक्शन करने के लिए करें। तो रेस्ट्रिक्शन कर सकते ना रिकॉग्नाइज, रेस्ट्रिक्शन करेंगे इसकी प्रैक्टिस को तो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट का तो सबसे मान्यवर कोर्ट है पूरे देश का, सुप्रीम कोर्ट का हर ऑर्डर पूरे देश में लागू होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वर्जी होगी। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, वैसा भी नहीं कर सकते। अगर आप और तीन सवाल राज्य सरकार के जरिए से जेपी नड्डा साहब को रिप्लाई दिया गया था, रिकॉग्नाइजेशन करो बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मुख्तलिफ रियासतों में जब लेटर भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ के जरिए से, तो जेपी नड्डा साहब ने 2017 में पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में ये तीन सवाल रखे। पहला सवाल यह था कि हर राज्य सरकार अपने अपने स्टेट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करे। दूसरा सवाल यह था कि 150 साल पुरानी है या 150 साल से ज्यादा है, इसके प्लांट्स कितने हैं, इसका डिटेल्स क्या है, इस चीज का जो है खुलासा कर करके दे, और इसका हमारे पास गवर्नमेंट डाटाबेस के हिसाब से मौजूद नहीं है, इसलिए रिकॉग्नाइज के लिए हम लोग आगे पीछे हटते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन करने का मुद्दा आने के लिए मैं जेपी नड्डा साहब के भी उस सवाल का जवाब दूंगा यहां से, और दूसरी पैथी से मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहां तक लीगल है। आयुर्वेदा का मामला आता है तो आयुर्वेदा के बारे में आज भी आप पूरा डाटाबेस चेक कर लो गवर्नमेंट का, कहीं पर लिखा है कि 5000 साल पुरानी है, कहीं पर लिखा है 6000 साल पुरानी है, कब हुई, कौन से साल में हुई और कहां पे नजात हुई, इसका भी कोई भी खुलासा नहीं है। आज भी इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेदा को लेकर डिस्प्यूट लगा हुआ है कि कोई कहता है कि चाइना में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इसको रिसर्च किया, कोई कहे इंडिया वाले मानते हैं कि इंडिया के ऋषि मुनियों ने उसके ऊपर किताबें लिखी, इसको रिसर्च किया, इसका प्रॉपर फादर का है उसका पता नहीं है, ये कहां पर जन्मी इसका पता नहीं है। दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ले लो, इसके फादर का रिकॉर्ड है, कहां पे किस वक्त किसने कितने प्लांट्स है, हर चीज का तफसीला है, हर चीज का डाटा है। इसके बाद भी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पीछे, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने, और हमारे तरफ से एहतिशाम साहब ने भी कोशिश की है डीएचओ को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ कर्नाटका स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक हेल्थ सेक्रेट, और जौहर मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और बहुत ही जल्द कर्नाटक में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी भी हाल में रेस्ट्रिक्शन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
चाहे वो कोई भी इस बात पे एतराज जता सकता भी नहीं कि रेस्ट्रिक्शन करना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अगर रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होगी, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा उसके बारे में, उसका जो कुछ भी अंजाम होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मत मानते हुए या तो उसको पाबंदी करवाओ उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक लीगल पैथी है, एक लीगल सिस्टम है, बुनियादी सिस्टम बराबर है इसका, तो आपको कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने के लिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कर्नाटका में, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद और एहतेशाम साहब जगह जगह पर जाकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार करने का मकसद इतना ही यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जिंदा रखें। अगर हम किसी एक्ट के चक्कर में या इसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होने के चक्कर में हमारे स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, इसके एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके स्टेट में रिकॉग्नाइज हो ही सकती। अब जैसा मैंने अभी आयुर्वेदा का मिसाल दिया, आयुर्वेदा यूनानी कब रिकॉग्नाइजेशन हुआ, 1971 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट के तहत ये लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, जबकि 1950 में तो इसका कानून हिंदुस्तान का कानून ही मुकम्मल हो गया था। लेकिन इस 21 साल का अरसा जो था, इस वक्त में ये लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को जंगी खतूत पे कायम रखा, इसकी प्रैक्टिस को कायम रखा, इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हम पीछे हटेंगे, इसके एजुकेशन सिस्टम से पीछे हटेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके स्टेट में कभी रिकॉग्नाइज हो सकती। अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहना है, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जिंदा रखने के लिए आवाम में शहूर बेदारी करें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ताल्लुक से गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर जाकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार करें, हर मुख्तलिफ शख्सियत को बताएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चीज क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कितने फायदे हैं, हमारा समझाने का मकसद ही यही है। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अगर हम प्रैक्टिस में लेंगे, इसकी दवाएं इस्तेमाल करेंगे, इसका एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, तो कर्नाटक में भी रिकॉग्नाइज होगी। आप देखिए नेचुरोपैथी कुछ स्टेट्स में रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि वहां प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम देने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। अगर हम कर्नाटक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रॉपर मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी माशाल्लाह से एहतेशाम साहब के जरिए से वो भी कायम हो चुका है, कोचिंग सेंटर बन चुका है, हमारी एसोसिएशन में तैयार हो चुकी है, सभी चीज तैयार हो गई, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हिस्से में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो आपके स्टेट में भी रिकॉग्नाइजेशन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक आप इसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, जब तक तो मुझे रिकॉग्नाइज होना मुश्किल है। क्योंकि इसलिए क्योंकि इसकी तो पाबंदी कहीं पर भी नहीं है, हुकूमत इसके ऊपर उसकी पाबंदी के लिए कानून बना ही नहीं सकती। बाहर अगर कानून बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वर्जी होगी, अगर कानून बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल होगा। कानून बनाकर भी ना तो हम पहचान करें, ना रोक कर भी हम पहचान करें, जो कुछ भी होगा इसका तो भुगतने वाले राज्य गवर्नमेंट रहेगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसके अलावा एक जरूरी चीज आपको ये बोल दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ताल्लुक से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, हम हर मंच में हमारा एक मकसद है, हम हर मंच में कुछ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं के बारे में किसी को जानकारी चाहिए या उसके कानूनी तरीके के बारे में, या किसी को भी कोई भी ऑडियंस में से कोई मौजूद है, किसी को कुछ भी सवाल है, हमारे साथ यहाँ के कर्नाटक के एडवोकेट यासिर अल्फाज साहब भी मौजूद है जो कन्नाड़ी में आपको समझा सकते हैं, हमारे एहतेशाम साहब है, डॉक्टर कामिल है, हम हर मंच पे कभी भी पूछते हैं, अगर कानूनी क्वेश्चन भी है तो हम उसका भी चैलेंज हम अपने लिए जिम्मेदारी समझेंगे, हमारे लिए काबिलियत वाला क्वेश्चन समझेंगे। अगर कोई हमारे कानून से लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं से लेकर के इसकी डिस्कवरी से लेकर इसकी रिसर्च से लेकर इसके प्लांट से लेकर कुछ भी सवाल पूछेगा तो हमारे अपने आप में सम्मान समझेंगे उस सवाल का जवाब देना। अगर कोई ऑडियंस में किसी को डाउट है तो कोई बोलिए। मैं हमारे यासिर अफान एडवोकेट साहब से यही बोलना चाहूंगा कि साहब मैं जो बोला उसको कन्नाड़ी में आप ट्रांसलेट करके समझाइए, क्योंकि कोई भी एक्ट लाने के लिए कानून बनाना, कोई भी एक्ट को अमेंड करने के लिए लेजिस्लेशन में बिल पास करना, चाहे वो रेस्ट्रिक्शन का हो या इम्प्लीमेंटेशन का हो, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अगर प्रैक्टिस को अगर रोकना चाहे तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी लाना पड़ेगा एक एक्ट, क्योंकि केपीएम में या कहीं पर भी जिक्र नहीं है, या तो केपीएम एक्ट में अमेंड करना पड़ेगा। अगर वो अमेंड करेंगे या कानून उसको रेस्ट्रिक्शन करने के लिए लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी होगी। अगर ये लोग अगर अमल के लिए लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल होगा। तो इसीलिए जैसे क्योंकि 1950 में जिस वक्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी
जब उतना आमतौर पे पब्लिक में नहीं था तो दूसरे पैथियां थे तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, जो 21 साल के अरसे में कोई भी पैथी जो है रिकॉग्नाइज नहीं थी, उसका सिस्टम कायम था। लेकिन कोई भी सरकारी एजेंसियां इसमें दखल अंदाजी इसलिए नहीं करी क्योंकि इसके लिए कोई मौजूदा कानून नहीं है। जब तक के कानून नहीं बनता तब तक के इसको हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो आप 1950 से लेके 1971 के 21 साल के बरस में जब न्यूट्रल थे, आयुर्वेदा का, यूनानी का, होम्योपैथी का एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिस चलती रही बगैर एक्ट बने, तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी आप न्यूट्रल है, यही हम सरकारी एजेंसियों से कोशिश कर उम्मीद रख रहे हैं। शुक्रिया।